जैसा कि विदित है, हम देशों का मामला आज से 5 वर्ष पूर्व हमारा 2017-18 में राज्य सरकार ने एक प्रपोजल भेजा 17,000 को, भारत सरकार ने उसको अप्रूव्ड कर दिया, किंतु राज्य सरकार ने उस पैसे को हम लोगों को भुगतान नहीं किया। तो हम लोग विभिन्न याचिकाओं में गए, लखनऊ और इलाहाबाद दोनों हाई कोर्टों में, जिसमें 3 जुलाई 2019 को सिंगल बेंच का आर्डर आता है हम लोगों के पक्ष में कि इनका 17,000 का भुगतान किया जाए और वो भी 9% पूरे ब्याज के साथ दिया जाए। किंतु उस सिंगल जजमेंट के खिलाफ राज्य सरकार स्पेशल अपील में चली गई, लखनऊ में भी और इलाहाबाद में भी। उन विभिन्न स्पेशल अपील पर लगातार सुनवाई चल रही थी। अंत में सीजे साहब ने लखनऊ और इलाहाबाद की दोनों जो स्पेशल अपील की उनको कनेक्ट करते हुए अपने पास ले लिया। मामले की लगातार सुनवाई पिछले 2 महीने से चल रही थी, जिसमें कल 1 घंटे पुनः सुनवाई हुई लगातार। आज 11:30 बजे से हमारा मामला फिर सुना गया और 1:30 बजे तक यानी लंच टाइम में भी हमारे मामले को सीजे साहब ने सुना। हमारे पक्ष के अधिवक्ताओं ने, सरकार की तरफ से एजी साहब ने पूरी बहस किया है। हमारी लोगों की बहस को कंक्लूड करते हुए आज सीजे साहब ने फैसले को सुरक्षित कर लिया है। बहुप्रतीक्षित जो हमारा मामला था 17,000 में, उसमें आज संपूर्ण बहस पूरी हो गई है। अब ये फैसला आने की उम्मीद अधिकतम 90 दिन हो सकता है कोई फैसला रिजर्व, लेकिन उसके पहले भी ये फैसला आ सकता है। पक्ष विपक्ष की बहस, उम्मीद हम लोगों के पक्ष में, हमें पूरा विश्वास है कि फैसला आना चाहिए, क्योंकि सिंगल जजमेंट कहीं से भी एरर नहीं दिखता है हमें और वो एज इट इज रहने की पूरी संभावना है। विवेक सिंह, हम लखनऊ हाई कोर्ट के मुख्याची हैं।